और गणपत राव आप थे और किसका कर सकती है? डोनाल्ड डक का कर सकते तुम दोनों। सीरियसली कर अरे सच्ची देखा रुक रुक इधर से हवा निकलने का तू कर हम लोग खेल रहे हैं फन रिडल्स और यही सेम इंट्रो अभी ये दोनों भी करेंगे क्योंकि आज की वीडियो में ये दोनों भी है। करो करो तो हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फन रिडल्स। तू करेगी कि इनविटेशन कार्ड दूं? करना तो हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। एक सेकंड मेरे वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते इधर। और सबसे अच्छा इंट्रो मैंने किया है तो तालियां। सबसे अच्छा इंट्रो मैंने किया और मेरे को मिल रही है ये आधी खाई हुई कैडबरी। इतना डाइट है ना? डाइट सुबह होता है अभी शाम हो गई है। फन रिडल्स मतलब क्या है? एक्चुअली हम लोग एक चीज भूल गए। हमारे पास आज है एक छोटी एसीपी प्रद्युमन जो हमारे रिडल सॉल्व करने में मदद करेगी। I'm not छोटी, I'm in fifth grade. तो fifth grade में? 5 plus 5 कितना होता है? 10. 55 ये डी। डिन डिन। What the? What the? With the? With the? वो इंग्लिश बहुत फट फटती है आजकल। What the? With the? Yes. कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है दया। दुनिया के सबसे खतरनाक रिडल्स जब तक कोई नहीं कर पाया है। खतरनाक करने वाले yes. और ये क्या इस वीडियो में ये भी है। ये क्या है? मेरा फेवरेट। क्या है उसका नाम? कुत्ता मंगूस। मंगूस एक्चुअली ही इज अ लेमिंग बट आई कॉल क्या है लेमिंग। लेमिंग क्या होता है? मेरे को लेमन सुनाई दिया। लेमन मालूम है मेरे को। लेमिंग गाइस तुम लोगों को लेमिंग मालूम है? हां गाइस ये आज के वीडियो में ये नहीं होने वाला। इसको बाय द वे गाइस पेट मिलने वाला बोल रही है। हां बाल काट रे उसको खुद बोलेगी। बता इसको कैट चाहिए और क्यों मिल रहे कैट बता। बाल कट करने वाली हूं। इतना बाल काटने का और कैट मिलेगी? मैं तो टकलू हो जाऊंगा यार। मेरे को कैट नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए। डॉग ना? डॉग भी नहीं यार, डॉग पागल है क्या? मैं घर से निकल जाऊंगा। मेरे को वो चाहिए, वो होता है ना वो क्या? वो आपको वो चाहिए? कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव अ वो। अगर आपके पास वो है तो मुझे बताओ, मेरे को वो चाहिए। ओ बाय द वे पिछले बार तुम लोग को याद है हम लोग जब ये गेम खेल रहे थे हर्षिता जुब जुब करके आंसर दे रही थी। बहुत इंटेलिजेंट है वो, मतलब बहन किसकी है वो तो तुम लोग को मालूम है। कुछ भी बोलती है, दोनों येड़े बैठे बाजू में। ओके मैं सबसे पहले चालू करने से पहले मैं तुम लोग को एक रिडल पूछता हूँ। ओके ऐसी कौन सी चीज है जो लाल कलर की होती है? आई नो। एक सेकेंड, अरे पूरा बोलने दो। ऐसी कौन सी चीज है जो लाल कलर की होती है उसको दबाने के बाद वो ग्रे कलर की हो जाती है? आई नो आई नो। सब्सक्राइब। और ऐसी कौन सी चीज है जो अंगूठे जैसी दिखती है? लाइक कोई तरीका है भीख मांगने का? ओके गाइस अभी बिना किसी टाइम पास के हम लोग चालू करते हैं। आर यू गाइस रेडी? यस। ऐसे करो ऐसे एक बार ऐसे। बुमरो बुमरो शाम रख बुमरो। संजना एक बैंक के सामने से जा रही थी तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। समझ गए, उसको धक्का दिया मतलब वो नीचे गिर गई। अरे वाह क्या दिमाग है दिमाग। तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर बैग को लेके बैंक के अंदर चला गया। गिरने के वजह से संजना चोर का चेहरा नहीं देख पाई लेकिन उसने चोर को बैंक में जाते हुए देख लिया था। वो भी तुरंत बैंक के अंदर गई और चोर को ढूंढने लगी। उसे उसका बैग दो औरतों के बीच में दिखा। इन दोनों में से कौन हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? अच्छा तो मतलब उसका बैग बेसिकली किसी औरत ने चोरी किया उसको धक्का मार के एंड वो बैंक के अंदर जब गई तब वहाँ पे दो औरतें थी तुम हाँ, दोनों जैसी हाँ, और वो बैग चुप रहो ना मैं जान रहा। अच्छा तू कर रही है एनालाइज कर गाइस एनालाइज कर 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 आंसर पहले ये बताएगी। ये हमारी छोटी आइंस्टाइन है भाई। देखो बहुत स्मार्ट है। कितना मार्क्स आया इस एग्जाम में इस बार के? मैथ में 19.5 आउट ऑफ 20। आधा मार्क किधर गया? 5 प्लस 5 नहीं आया इसको। 5 प्लस 5 कितना? मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉब्लम था छोटा सा। अरे मुझे थिंक कर दे दो। मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉब्लम देता हूं। 13 × 13 × 13 कितना होता है? 13 × 13 169 होता है। ओहो 169 मल्टीप्लाइड बाय 13 ये करना पड़ेगा। कुछ पेपर वेपर है क्या?
इजी आंसर है, आंसर है सुरूर। ओ माय गॉड, तेरा 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 सुरूर। मेरे को क्यों दिया? मैं ये जोक लिटरली दूसरी बार मार रहा हूँ चैनल पे, फिर भी तुम मतलब तुम लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते। मुझे पता है ये एक नहीं, हाँ मतलब तुम लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते। नहीं, मैं नहीं। जा रहा हूँ। ये वाली जो औरत है उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ है, तो अगर उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ है तो वो बैक को वहाँ पे कैसे रखेगी? लेफ्ट साइड को अपने, वो तो अपने राइट साइड को रखेगी ना, क्योंकि वो राइट हैंड साइड से थोड़ी ना ऐसे जाके वो बैग रखेगी, तो ऑब्वियसली मर्डरर है बी। उसने पहले बैग रखा होगा फिर हैंड क्लास्प करके बैठी। हाँ, वो मेरे दिमाग में भी आया, मतलब हैंड रखा और फिर उसके बाद उसने फ्रैक्चर का एक्टिंग हाँ, किया। मेरे को भी लग रहा है। इतना भी डॉन 3 का मूवी नहीं चालू यहाँ पे। ठीक है, फिर बी आई गो सी बी है आंसर, बिकॉज़ मैंने इसका आंसर ऑलरेडी देखा था। नो, मैंने ही। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ए ने चोरी की है तो वो हैंडबैग उसके राइट में होना चाहिए था। मतलब चोरी, मैं वही सोच रही थी इतना डिटेल में कैसे सलूशन। वैसा मेरा दिमाग अच्छा है। उर्मिला तेरे को 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए? मैं 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए? 90। मेरे को 10th स्टैंडर्ड में 94%। तो तेरे को आंसर्स क्यों नहीं? हर्षिता तेरे को कितने मार्क्स आए 10th स्टैंडर्ड में? बोल, अब बोल। मैं 10th बोर्ड एग्जाम पास ही नहीं हूं। एग्जैक्ट। अंकिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। कुछ देर बाद वो भागते हुए पुलिस के पास जाती है। उसने पुलिस से कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है, मैं उस आदमी को अच्छे से देख नहीं पाई, मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी, तभी किसी ने पीछे से जोर से मुझे मारा और बैग लेके भाग गया। अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा ये करने के। अंकिता वॉशरूम में होती है, उसको पीछे से जोर से चमट पड़ती है। टपली मार क्या? टपली मारा उसने उसको और हाँ। बैग लेके निकल जाती है। हाँ। पुलिस को लेके आते आगे। अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। वहाँ पहुँचते से पुलिस समझ जाती है कि अंकिता झूठ बोल रही है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि अंकिता झूठ बोल रही है? क्या आप देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। देख, मुझे लगता है कि अगर वो मिरर ने मारा होगा तो उसको दिखा होगा। सुनो, पीछे जाओ पीछे, मुझे कुछ दिखा है। रुक, उसका उसका बैग चोरी हो गया है। अहिला क्या मत कर। अरे ये स्मार्ट सिस्टर है ना, इतने में इसको इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं, वेट, सुनो सुनो। 2 hours later अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? वहाँ पहुँचते से पुलिस समझ जाती है कि अंकिता क्या लग रहा है तुम लोग को? मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसका आंसर मैंने देखा नहीं है। कुछ इजी डालो ना। उसकी बैग चोरी होती तो वो हॉस्पिटल जाती कैसे? उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं हॉस्पिटल जाने के और पुलिस के पास जाने के? चल के जा सकते हो, हॉस्पिटल पास में भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोला हो, गाड़ी से गई, इससे गई। ये तुम लोग का ना लॉजिक ही फालतू होता है। हम लोग इससे अच्छा आंसर देख लेते हैं। चीटर है बड़ा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। अगर किसी ने पीछे से उसे मारा तो मिरर में अंकिता को चोर का चेहरा दिख जाता था। मतलब वो झूठ बोल रही है। अरे पर अगर वो साबुन से मुंह धो रही होगी और उसके आंख में साबुन गया होगा तो कैसे चेहरा दिखेगा? कुछ भी लॉजिक है। धो रही थी, टप टपली मार के बैग लेके। मैंने वही बोला कि मिरर में उसको दिख गया होगा। मैंने मेरा आंसर राइट था। 1 point goes to me। अरे पर हाथ धोते वक्त तू नीचे झुक के हाथ धोती है। 1 point goes to me। मेरे को लॉजिक नहीं समझ। लड़कियां हमेशा मिरर में देख के हाथ धोती है। मिरर में देख के? ओके, लड़कियां, तुम लोग लड़कियां जो वीडियो देखो, तुम लोग मिरर में देख के हाथ धोते हो? मैं तो बेसिन मैं धोती हूं। मैं बेसिन को देख के हाथ धोता हूं कि अच्छे से धो ही जा रहा हूं कि नहीं। क्यों देख रही है तेरे को हाथ धोने में? मैं दोनों करती हूं, मैं दोनों। तू हाथ धोती रही है। बेसिकली अंकिता येड़ी है। नहीं, लिटरली ऐसा तो कोई भी लॉजिक यूज करके कोई भी रिडल बनाएगा। हम भी खुद का रिडल बना सकते हैं। बनाए क्या? हम लोग खुद का रिडल बनाते हैं। उर्मिला एक दिन ऐसे ही घर पे सोफा पे बैठने जाती है। वो हाथ में लेती है टीवी का रिमोट और वह टीवी देखने लग जाती है। टीवी देखते देखते वह एक केला भी खा रही होती है। वो केला खाती रहती है, लेकिन केला खाते खाते उसको ना दरवाजे से बेल की आवाज आती है। जैसी बेल की आवाज आती है, वो अचानक से उठ जाती है और दरवाजे की ओर चलने लगती है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उर्मिला के मुंह में अधूरा केला भी रह जाता है। खूनी ने आखिर ऐसा क्यों किया? लेकिन आखिर खूनी है कौन? क्या आप देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। बॉलीवुड में कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ तुम लोग को तो मालूम है। मैं खुद ऋतिक रोशन जैसे दिखता हूँ। मैं खुद ऋतिक रोशन जैसे दिखता हूँ। आप पंडित जी जैसे। तुम्हारा दाखवतो कोण असणार आहे? अगला वाला। अरे ये तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन।
अरे ये इसमें था, भूलभुलैया में था, उर्मिला अक्षय कुमार, अक्षय कुमार भूलभुलैया, अक्षय बेटे जो मैं बोलता, इसको क्या हो गया, इसको कुछ भी हो जाता है बीच में। आज के लिए बस हो गया, मैंने बहुत रिडल सॉल्व कर दिया, इससे ज्यादा मैंने होगा नहीं। तो बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल, योर चैनल नहीं मेरा चैनल है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और लाइक करो, बहुत सारा कमेंट करो, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।